नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया एवं मंडी परिसर में ही महामहिम राज्यपाल के नाम मंडी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अभी किसानों को न्यूनतम दाम 2000 रुपये से 2200 रुपये तक मिल रहे हैं, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं के विशाल समूह की उपस्थिति में मांग की कि किसानों को गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2700 रुपया एवं धान का न्यूनतम मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक मिलना चाहिए। सिंह सोलंकी में नजीराबाद ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष। सर, क्या कारण रहा कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन रखा है? सरकार की वादा खिलाफी का कारण है। सरकार ने जो वादे किए थे 2700 रुपया में हम गेहूँ खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, आज वो उन वादे से मुकर गए हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के पूरे ग्रामीण के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और धरना प्रदर्शन कर इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने का काम हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही कर रहे हैं, जो आगे तक अगर लागू नहीं किया तो जारी रहेगा। कांग्रेस कमेटी सारे ग्रामीण धरना भोपाल जिले के सबसे बड़ी मंडी पे लक्ष्मी नारायण गल्ला मंडी पे हम आए। मकसद ये है, नवंबर में जो सरकार बनी थी उसका वादा था 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ का मूल्य, 2700 रुपये क्विंटल। अभी सोसाइटियाँ चालू नहीं हुई, अभी मंडियों में जो खरीदे 2200-2250 रुपये क्विंटल का, ये वादा था भारतीय जनता पार्टी का, ये वादा था मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव जी का, और उस वादे को निभाओ, MSP लागू करो, ये हमारी मांग। पूरे प्रदेश, भोपाल जिले में पूरे प्रदेश में इस समय हाहाकार की स्थिति थी, फसलों का उत्पादन कम हुआ और जो मंडी आते हैं 1000-2000 रुपये ट्राली का किराया देते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं और 2100-2200 रुपये टोटल दिया जाता है। आज हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष भाई प्रवीण सक्सेना जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष मनोज गांधी जी, हनुमत भाई, कमलेश सिंह जी, अनस भाई और बहुत से सैकड़ों लोग आए चालक आंदोलन। अब हम लोगों को इनके वादे, जिस वादों पर सरकार खड़ी हुई है, जिस वादे पर सरकार आई है, उसको पूरा कराने का हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवाली जी का निर्देश है। पूरे प्रदेश में धरना आंदोलन हम लोग पार्टी द्वारा चुनावी वादा किया गया था कि किसानों को गेहूं का जो दाम है वो 2700 रुपये किया जाएगा, MSP लागू की जाएगी। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, जो कि अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर, उनके निर्देश पर जितनी भी मंडियां हैं उन पर जिले पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज करौन मंडी पर जिला कांग्रेस शहर और ग्रामीण दोनों ने सम्मिलित होकर आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें ये मांग रखी है कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो वादा इनको पूरा करना चाहिए, 2700 रुपये गेहूं का दाम करना चाहिए और MSP इनको लागू करना चाहिए। जब तक कि ये अपना वादा पूरा नहीं करती, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही किसानों की और आम जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगा। सर, अगर आने वाले तौर पर मैंने आपको बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जिस दिन से इस मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने जब सबसे पहला उद्बोधन अपना दिया था उसमें ये बात कही थी कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे उन वादों को पूरा कराने का काम विपक्ष का है और विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। सड़कों पर उतरकर, धरना देकर, प्रदर्शन देकर जिस हद तक भी जाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जनता, आम जनता और किसानों की लड़ाई लड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।